प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना आपको। आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, मेरी स्व से ही प्रार्थना। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सने प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, मेरे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ, चंद्र गुरु ग्रह की युक्ति कुंडली के प्रत्येक भावों में आपके जीवन पर क्या प्रभाव देता है। जिसका लग्न में चंद्र गुरु बैठा हुआ है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, मेहनती होते हैं, भावुक होते हैं, उदार होते हैं, लगनशील होते हैं। जिसके दूसरे भाव में चंद्र गुरु बैठा हुआ है, ऐसे लोग आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, रोजगार अच्छा नहीं मिलता है, दिमागी चंचलता बनी रहती है। जिसके तीसरे भाव में चंद्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग भावुक होते हैं, उदार होते हैं, दयालु होते हैं, माता पिता भाई बंधुओं के सेवक होते हैं। जिसके चौथे भाव में चंद्र गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग उच्च अधिकारी बनते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, राजनेता बनते हैं, महान भाग्यशाली होते हैं। जिसके पांचवें भाव में चंद्र गुरु बैठा हुआ है, ये पूर्ण विद्वान होते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, समाज में पूजे जाते हैं, अपने शिक्षा के द्वारा देश विदेश में अपना यश कीर्ति फैलाते हैं। जिसके छठवें भाव में चंद्र गुरु हो, यह शत्रु विहीन होते हैं, कभी इनका चरित्र खराब नहीं होता, कभी जेल नहीं जाते। जिसके सातवें भाव में चंद्र गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग चाहे महिला हो पुरुष हो, इच्छा अनुसार शादी होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, ऐसे लोग की इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती है, कभी कर्जदार नहीं होते। जिसके कुंडली में आठवें भाव में चंद्र गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, सर्दी खांसी हार्ट संबंधी बीमारी की संभावना बनती है, ऐसे लोग स्वास्थ्य के कारण अच्छी उन्नति नहीं कर पाते। जिसके नौवें भाव में चंद्र गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, इनको सरकार से भी कुछ पद मिलता है, साधन संपन्न होते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में चंद्र गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, व्यापार में घाटा खा जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, कर्जे के कारण सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद होती है। जिसके कुंडली में ग्रामीण भाव में चंद्र गुरु बैठा हुआ हो, यक्षमातिक उन्नति करते हैं, कम परिश्रम में अच्छा लाभ पाते हैं, देश समाज में पूजे जाते हैं और सब साधन संपन्न होते हैं। जिसके कुंडली बारहवें भाव में चंद्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग उदार होते हैं, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, ऐसे लोग धार्मिक कार्य करते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसे सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपने कुंडली का मेरे द्वारा विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करें, मेरे नियम तरीका का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते हुए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।